हेलो फ्रेंड्स, रिया फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नॉर्मल सिलाई मशीन से आपको हुक लगाना बताऊंगी। उसके लिए ये देखिए, ये पट्टी हमने करी है इस तरीके से, जैसे अपन ब्लाउज में करते हैं उसी तरीके से, लेकिन मैंने इसमें फ्यूज पेपर लगाया है ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग से बने। आप उस पट्टी में भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी बन जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब आपको इसको ऐसे कर लेना और इसमें मैं एक मार्किंग कर देती हूँ ताकि सभी बराबर बराबर दूरी से और बराबर इधर गैप बराबर छूटे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए, आप पेन से नहीं खींचे, आप अलग उसका चौक आता उससे मार्किंग करें। ये देखिए, ये आप पट्टी के इतना सा कपड़ा छोड़ करके एक मार्किंग कर लें। अब हम दो दो इंच का गैप रखेंगे हुक के बीच में, आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हो। मान लीजिए हम हुक के जैसे हुक लगाएंगे, इतना सा गैप यहाँ बीच में भी आप छोड़ दीजिए ऐसे, और इसको इस तरह से ऐसे मिला दीजिए इतनी दूरी करके। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए एक आपको ये सुई लेनी है, बड़ी सुई, मोटी सुई, इससे आपको ऐसे खोल करके ऐसे होल करना है यहाँ से लेके, और इस किनारे पे इसको निकालना है ऐसे ऐसे, आपको इसको निकालना और ऐसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये होल अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, ये होल हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसी तरीके से आपको सभी में होल कर देना है। ये मैंने तीन होल कर दिए। अब मैं इसमें हुक कैसे डालूंगी वो भी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप हुक हमेशा, ये देखिए जो मैं हुक लेती हूँ इसी कंपनी की लेती हूँ, ये सोना लिखा हुआ यही हुक लेती हूँ। ये क्या कि जंग नहीं खाते हैं, बहुत सारे हुक जंग लग जाते हैं और ब्लाउज पे भी जंग लग जाता है, इसलिए आप ये हुक ले। और ये हुक स्टेनलेस स्टील के होते हैं इसलिए इसमें जंग नहीं लगता, तो आप इस क्वालिटी के ही हुक ले। अब आपको क्या करना, इस हुक को थोड़ा सा खोल लेना है ताकि आपको इसमें फंसाने में इजी रहेगा, इस होल में डालना इजी रहेगा। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना ऐसे। ये देखिए, अब आपको ये देखिए इस होल इधर वाले होल में फंसा करके इस तरफ भी निकालना है। देखिए ऐसे दूसरे होल तक फंसाना है इस तरीके से। ये देखिए, और इसको इस तरीके से करना है। ये देखिए, ये हुक हमारा इसमें फंस गया है। इसी तरीके से आपको सभी हुक डालने हैं। आप हुक को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये डल जाएगा इस तरह से। हुक को आपको उल्टा पकड़ना है। आप हमेशा, और अगर आपके होल फिर भी नहीं लग रहा तो आप एक बार और अच्छे से इसको सुई को घुसा करके सभी होल में ऐसे कर ले ताकि वो होल अच्छे से हो जाएंगे। देखिए, और इसको फिर आपको क्या करना, इसको दबा देना वापस से इस तरीके से, आपको वापस से इनको दबा देना है। इसी तरीके से आपको सब में भी हुक इसी तरीके से डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी में आपको हुक इसी तरीके से डालना है। होल को आप अच्छे से कर देंगे तो आसानी से डल जाएंगे, और इसको भी आपको खोल लेना। अब आपको क्या करना है, देखिए ये पट्टी अभी खुली हुई है और इसको आपको इस तरीके से करके नहीं लगाने, जैसे ये देखिए मैंने पट्टी खुली रखी है, इसी तरीके से आपको हुक डालने। अब क्या करना, आपको इनको सिलना है। तो ये इसके लिए हम इस फुट को हटाएंगे। अगर आपके मोटर वाली मशीन है तो आप ये बेल्ट को हटा दीजिए, इसको नहीं भी हटाएंगे तब भी काम हो जाएगा। इसको हाथ से ही चलानी है हमें, ये देखिए इस तरीके से। कपड़े को आपको अपने हाथ से चलाना है इस तरीके से, एक बार इस होल में मैच कराना और एक बार इस होल में, इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। आपको हाथ से इस कपड़े को चलाना है ऐसे मैच कराने के लिए होल में, और ये देखिए हाथ से ही मैं हैंड व्हील को घुमा रही हूँ इस तरीके से। एक हाथ से आप हैंड व्हील को इस तरह से घुमाते जाए और एक हाथ से कपड़े को ऐसे सेट करते रहे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही मजबूती से, मजबूती के साथ ये अटैच हो गया,
और अब आप इसको काट दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका हुक लग जाएगा और बहुत ही मजबूती के साथ लग जाएगा ये। इसी तरीके से हम सभी हुक लगा लेंगे। एक और हुक मैं आपको लगाना बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ऐसे आपको मैच कराना है। अब चाहे तो ये धागे आप काट दीजिए या फिर आप इसे पक्का मजबूत करना चाहते हो और तो अच्छे से तो इसको गटान लगाकर फिर काट दीजिए इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लग गए हैं और पीछे भी इस तरीके से धागे हैं, इनको भी चाहे तो आप गटान लगा दीजिए, नहीं तो आप ऐसे काट दीजिए इस तरीके से। ये देखिए आप चाहे तो ये हुक थोड़ी दूर अगर लगाना चाहते तो वो भी आप लगा सकते हैं कि हमें थोड़ा सा और अंदर की साइड चाहिए तो आप अंदर भी लगा सकते हैं इसी तरीके से। तो इसी तरीके से हम सभी हुक को लगा लेंगे। ये देखिए सभी हुक लगा दिए हमने। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये फुट को लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, मोटी सिलाई, ताकि हम उसको वापस निकाल लेंगे जब तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। जब हम तुरपाई कर लेंगे तो इस सिलाई को खोल लेंगे इस तरीके। तो फ्रेंड्स, अगर इस मशीन से तो हमने आपको हुक लगाना बता दिया, और अगर आपको ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से भी इस तरीके से मशीन से हुक लगाना सीखना तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, श्रेया फैशन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।